दोस्तों, धान की एक ऐसी किस्म जो आज तक जितनी भी धान की किस्में हैं उससे ज़्यादा उपज देने वाली और उससे कम दिनों में पक के तैयार होने वाली। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, मैं धान की एक आज ऐसी किस्मों के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो आपको उपज भी ज़्यादा देगी और कम दिनों में फसल तैयार भी होगी। और इसकी खास बात एक और ये भी है कि झुलसा रोग से रोग प्रतिरोधी है। धान की फसलों में सबसे ज़्यादा जो खतरनाक रोग देखा जाता है वो झुलसा रोग देखा जाता है, उससे भी प्रतिरोधी है। और इस किस्म को करीब 12 साल की मशक्कत के बाद पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो लुधियाना में स्थित उसके द्वारा ये इस किस्म का विकसित किया गया है। तो दोस्तों, आज के शानदार वीडियो में पंजाब बासमती 7 की किस्म के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके इसकी आप डिटेल ले सकते हैं। अगर आपको PB7 जो वेराइटी है वो आपको मंगाना हो तो वहाँ से आप जाके मंगा भी सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही किसान भाइयों तक इस वीडियो को साझा करें कि वो इस वैरायटी को आराम से इसका चुनाव कर सकें। दोस्तों, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जो लुधियाना में स्थित है वहां के कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा 12 साल की मशक्कत के बाद इस किस्म का चुनाव किया गया है। किसानों के बीच में जो धान की फसल में जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो झुलसा रोग की होती है। तो ये किस्म पंजाब बासमती 7 जो किस्म है ये झुलसा रोग से पूर्णतः रोग प्रतिरोधी है। और जो दूसरी समस्या किसान भाइयों के बीच में देखी जाती है वो पराली की देखी जाती है। तो पंजाब बासमती जो 7 जो किस्म है इसकी वजह से पराली की समस्या को कम किया जा सकता है। कारण क्या है कि जो इस धान की जो लंबाई है वो लंबाई कम है, जिससे कि आपको पराली का सामना बहुत कम करना पड़ेगा। अगर किसान भाइयों में इसकी उपज की बात करूँ तो औसतन उत्पादन उसका 19 क्विंटल प्रति हेक्टेयर देखा गया है। वैज्ञानिकों का ये भी दावा है कि अच्छे मैनेजमेंट के द्वारा इसके उत्पादन को अपन बढ़ा भी सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी आज तक बासमती की किस्में हैं उनकी कंपेयर में ये 6 दिन पहले ये पक के तैयार हो जाता है। यानी कि पंजाब बासमती 7 को करीब 101 दिन में फसल जो है आपका पक के तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये आपके समय को भी बचा रहा है और अगली फसल आप जल्द तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, जितने भी आज तक की बासमती ये किस्म हुई है, चाहे वो 1121 हो, 1718 हो या 101 हो, इन सारी किस्मों को पंजाब बासमती 7 टक्कर देगी। और दोस्तों, इससे जुड़ी और भी आपको किसी तरह से कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं इससे जुड़ी जो भी जानकारी है वो और लेके आऊँगा जानकारी। और आपको एक बात और बता दूँ, अगर आपको ये बीज मंगाना हो, आपको ये बीज खरीदना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से कि अब इस बीज को मंगा सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।